नमस्कार। स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने अध्ययन कर लिया था कि शोध क्या है। जैसे मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि शोध क्या है। शोध को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च, और रिसर्च मतलब फिर से सर्च करना, पुनः खोज करना। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मतलब सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध। विज्ञान क्या होता है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं। अर्थात शोध का बेसिक पॉइंट क्या होती है, एक समस्या होती है। अर्थात कोई हमें, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, किसी समस्या के समाधान करने की एक विधि है। हम एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप से किसी समस्या का समाधान जब करते हैं, जिसमें हम कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, या किसी जो नॉलेज गैप है आपका, ज्ञान में जो आपकी गैपिंग आ जाती है उसको फिल करते हैं। मतलब कुछ पहले का पता है, कुछ बात का बीच की चीज़ें नहीं पता, तो हम वो चीज़ें भरते हैं ज्ञान को खोज के। या हम किसी चीज़ को देखते हैं प्रभावशाली है कि नहीं, या हम देखते हैं ये सत्य है कि नहीं, या इतिहास की किसी घटना का हम अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चीज़, कोई एक थॉट है जो एक प्रॉब्लम की तरह आपके सामने, और आप उसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका जो प्रक्रम होता है इसे शोध कहते हैं। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, शोध क्या करना, किसी चीज़ को खोजना और पुनः पुनः खोजना, नवीन ज्ञान के लिए खोजते रहना जब तक कि आपको संभावना है कि उसमें 1% भी ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है। जैसे आगमन विधि प्रभावशाली है कि नहीं, तो हम खोजते रहें, हम इस पे मैथ पे करें, हम इंग्लिश पे करें, हम सोशल साइंस पे करें कि आगमन विधि प्रभावशाली है, फिर कर लिया फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़े, फिफ्थ के पे करें, टेंथ पे करें, ट्वेल्थ करें, हायर एजुकेशन में करें, मतलब खोजते रहें कि प्रभावशाली है कि नहीं, या किसी के लिए प्रभावशाली कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा है हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे, और जो इससे भी अच्छी कोई विधि है तो हम वहाँ यूज़ करेंगे। अर्थात क्या, हमेशा खोजते रहना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्ज़ी बनाना तो जीरे के तड़के से बनाना, सौंफ के तड़के से बनाना, आपके राई के तड़के से बनाना, अलग अलग टेस्टिंग के लिए हम देखते हैं स्वादिष्ट बनती है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, शोध जो होता है उसके कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। जैसे शोध शुरू कब होता है, जब हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अभिकल्प बनाते हैं कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका लघुत्तम समापवर्त का भी क्या है, आपके लिए जो नहीं जानता वो एक शोध है। आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप फॉर्मूला जानते रहते हैं, फिर आप उसमें लगाते जाते हैं, जब नहीं आता तो भाई टीचर बताता है। लेकिन एक छोटा सा प्रक्रम इसमें शोध का आता है। तो अगर किसी चीज़ खोज रहे हैं आप, आंसर खोजते हैं, जब भी आप आंसर खोजेंगे तो ये एक शोध ही होगा, ठीक है। अब देखिए, हम देखेंगे कुछ चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शोध, तो हम जानते हैं कि शोध क्या है, किस चीज़ को खोजना शोध है, लेकिन शोध करते क्यों हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका एक छोटा सा मैंने मैप बनाया है, कॉन्सेप्ट मैप, आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें कुछ पॉइंट मैं इसको क्लियरिफाई करूँगी एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रयोग व सामान्यीकरण के लिए शोध किया जाता है, परीक्षण के लिए शोध किया जाता है, समाज कल्याण के लिए शोध किया जाता है, सत्यापन के लिए शोध किया जाता है, विश्लेषण के लिए भी शोध किया जाता है, अनुप्रयोग करने के लिए भी शोध किया जाता है, नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु भी शोध किया जाता है, समस्या के समाधान हेतु शोध किया जाता है, परिकल्पना की पुष्टि के लिए भी शोध किया जाता है, भविष्यवाणी करने के लिए भी शोध किया जाता है, नियंत्रण के लिए भी शोध किया जाता है। इतने तो पॉइंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कहेंगे तो हर बुक में लिखा है, लेकिन हमें समझना भी तो है भाई। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि किस पॉइंट का क्या अर्थ है। जैसे कहे प्रयोग और सामान्यीकरण, तो पहले प्रयोग करते हैं। जैसे कहा थार्नडाइक ने किया बिल्ली पर प्रयोग, तो वो भी क्या था, शोध था। पावलाव ने किया कुत्ते पे प्रयोग, कोहलर ने किया चिंपैंजी पे प्रयोग, आपके स्किनर ने किया चूहे पे प्रयोग, तो वो प्रयोग जो किया वो सीखने के सिद्धांत का प्रयोग था, कि कौन सी चीज़ उसको प्रभावित करती है या नहीं। तो जब हम प्रयोग करते हैं जब भी, तो वो कहीं ना कहीं शोध का एक प्रक्रम होता है। अर्थात जब हमें कोई प्रयोग करना होता है तो हम शोध करते हैं कि प्रयोग कैसे करें। जैसे आपको पाउडर, पॉन्ड्स का पाउडर मिला दीजिए और नाइसिल का पाउडर, हो सकता है ऐसे तो कुछ नहीं होता, लोग मिला के लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया होता है। लेकिन किसी को पॉन्ड्स का पाउडर लगाए तो एलर्जी हो जाए, है ना, नाइसिल का लगाए दाने निकल आए, या आप नाइसिल का लगाते हैं तो घुमौरियाँ ठीक हो जाती हैं, पॉन्ड्स का लगाते तो नहीं होती। तो ये भी क्या है, आपका एक प्रयोग है। अब वो सुना मैंने, जैसे हम क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कहते हैं ये क्रीम एकदम गोरा कर देगी, तो पहले क्या करते हैं मार्केट में जाकर उसको तुरंत खरीद लेते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका ट्रायल पैक लेना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए कि हमारे स्किन के लिए वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं तब उस चीज़ को लेते हैं। तो प्रयोग वो होता है जब हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, या वास्तव में उसकी जो अप्लीकेशन है वो है कि नहीं। तो प्रयोग के लिए भी क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। दूसरा चीज़ सामान्यकरण, जैसे प्रयोग तो किया लेकिन वो यूज़फुल रहेगा तो हम उसको ले लेंगे पूरा बड़ा सा। जैसे विको टर्मेरिक कहे है कि गोरा बनाती है, पिंपल्स मिटाती है, तो हम उसका छोटा ट्यूब लेके ट्राई किया, प्रयोग किया। अब सामान्यकरण हमारा पिंपल्स मिट गया तो हम उसका प्रयोग करेंगे क्या, सामान्यकरण कहेंगे क्या, हम बड़े ट्यूब ले आएंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि हाँ ये क्रीम क्या है इफेक्टिव। इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में जिसमें हमें क्या करना चाहिए, जो ज्ञान हमें प्राप्त करना उसको हमको सब पे लागू करना। जब सब पे लागू करने की बात आती है तो उसको कहते हैं सामान्यकरण। देखिए टर्म समझिएगा, ये शब्द आपके सामने ऑप्शंस में आएंगे। तो प्रयोग और सामान्यकरण के लिए भी हम शोध करते। दूसरा है परीक्षण। तो प्रयोग और परीक्षण लगभग एक ही है, तो परीक्षण क्या, एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रयोग करना मतलब किसी चीज़ का प्रयोग करना, हम उसको प्रयुक्त कर रहे। परीक्षण क्या कहें, टेस्टिंग करना। जैसे सिरका में तेजाब मिला दिया क्या होगा, वहीं आपका एसिटिक एसिड और H2SO4 है जो आप लैब में देखते हैं। तो क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी। तो एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण करेंगे आप, परीक्षण के लिए भी क्या करते हैं, शोध करते हैं। फिर समाज कल्याण, देखिए सर्वविद्यालय समाज का ग्रुप है और हम सारी चीज़ें जो भी करते हैं समाज से जुड़े, इसे याद दिमाग में बैठा लीजिएगा कि समाज, मानवता, ये सब बहुत ही बेसिक पॉइंट होते हैं शिक्षा के, और वही शिक्षा में शोध होता है। तो शोध भी इन्हीं पे आधारित होता है, ऐसे हम शोध करते हैं जो समाज के कल्याण के। जैसे आप एटम बम तो बना दिए लेकिन अगर इसका यूज़ देखें तो ये सिर्फ विनाश के लिए, तो समाज कल्याण के लिए ये नहीं है। अगर ये नहीं बनना होता तो नागासाकी हिरोशिमा में ऐसा कभी नहीं होता और आज तक वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें, तो शोध क्यों किया जाता है, समाज के कल्याण के लिए। जैसे पहले जब कैंसर होता था तो उसका किसी के पास इलाज नहीं होता था, तो फिर शोध हुआ तो कैंसर की दवाइयाँ आई और आज कैंसर ठीक भी हो जाता है। ऐसे एड्स है तो उसका कोई इलाज नहीं अभी तक पाया गया, तो जब शोध होगा कभी उसका भी इलाज पा जाएंगे, तो वो भी हमारे समाज कल्याण के लिए होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे शोध भी होते हैं, सारे शोध उनका मुख्य उद्देश्य होता है समाज कल्याण। सत्यापन के लिए, सत्यापन मतलब कहते हैं ना अप्रूव किया, तो स्टैंप लगाया, साइन किया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस स्टैंप लगाया साइन किया, इसका मतलब ये होता है कि आपने अप्रूव किया कि ये चीज़ सही है। तो कोई चीज़ सही है या नहीं है इसके लिए भी हम क्या करते हैं, शोध करते हैं। तो शोध करने का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि चीज़ों की सत्यता जानना। जैसे पहले बोले कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, तो ये चीज़ें तो शोध तो हुई थी भाई, देख रहे थे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बता दिया। लेकिन फिर जब शोध हुआ तो पता चला भाई क्या, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही। अब आप यहीं तक जानते, लेकिन आप आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, बस देखने का नज़रिया। जैसे हमारे लिए हम स्थिर हैं और कोई बैठा तो स्थिर है, लेकिन दूसरे ग्रह से हमको कोई देखेगा तो हम लोग तो रोल राउंड कर ही रहे हैं, तो उसके लिए हम स्थिर नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, कोई चीज़ ना तो पूरी तरह स्थिर है ना पूरी तरह गतिमान है। तो यहाँ पे से शोध जो होते हैं वो चीज़ों की सत्यता को बताते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टर्म होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यहाँ पे वो है विश्लेषण। विश्लेषण हम क्यों करते हैं, अब वही है चावल बिनने की बात कर रही थी मैं पिछली बार भी विश्लेषण में, तो विश्लेषण मतलब कंकड़ मुंह में ना जाए। तो विश्लेषण में करते क्या, उस चीज़ को छोटे 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 टुकड़ों में बांट के और उसका अध्ययन करते। तो हम शोध क्यों करते हैं, विश्लेषण के लिए भी हम क्या करते हैं, शोध करते हैं। इसके अलावा अनुप्रयोग करने के लिए, किसी चीज़ का अप्लीकेशन देखने के लिए भी हम शोध करते हैं। जैसे ICT का अप्लीकेशन देखा तो हम शोध किए कि ICT उपयुक्त है कि नहीं है, कंप्यूटर अच्छा है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन अच्छा है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं तो क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो भी शोध के लिए ही होता है। मतलब शोध हम इसके लिए भी करते हैं कि हम अप्लीकेशन उसके बता सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका नवीन ज्ञान प्राप्ति, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ज्ञान प्राप्ति तो ठीक है, हर कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा लेता रहता है, लेकिन याद रखिएगा
कि हो सकता है उसके लिए वो नवीन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नवीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुक में होता है. हम जब कोई एकदम नई चीज़ इवॉल्व करते हैं, जैसे कभी जब कुछ नहीं था तो बल्ब जला, तो बल्ब जला तो वो नया हुआ, फिर आपका ट्यूबलाइट आया, फिर CFL आया, फिर LED आया, तो क्या हुआ, नवीन ज्ञान प्राप्ति हुई कि नहीं. तो यहाँ पर नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आप शोध करते. इसके अलावा समस्या समाधान, तो ये तो मुख्य पॉइंट है आपका कि कोई समस्या उसका समाधान ही तो है, वरना हम काम क्यों करें. हम तो इतने आलसी हैं कि काम रहे तो ना करें, तो हम बिना समस्या का तो कोई काम कर ही नहीं सकते. लेकिन समस्या के समाधान के लिए भी शोध किया जाता है. इसके लिए परिकल्पना पुष्टि, परिकल्पना मैंने आपको बताया था कि जो टेंटेटिव आंसर, जैसे हम समस्या लिए कहें कि बुखार कैसे ठीक होगा, तो हम टेंटेटिव आंसर देखते हैं कि पैरासीटामोल खाएं तो बुखार ठीक होगा, है ना. लेकिन हम क्या करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको पैरासीटामोल खिलाते हैं, ठीक होता है, फिर चढ़ता है, फिर चढ़ता है, पता चलता है टेस्टिंग कराया टाइफाइड निकल गया. तो जब तक उसको टाइफाइड की या मलेरिया निकल गया, मलेरिया की या आपको डेंगू है, डेंगू की दवाई नहीं दी जाएगी, तो कैसे करेंगे. लेकिन हम एक टेंटेटिव आंसर तो बताते हैं कि हाँ इसको नॉर्मल फीवर है, या इसका पैर बहुत दर्द कर रहा है तो इसको टाइफाइड है, बहुत ठंडी लग के कपकपी आ रही है तो इसको मलेरिया हो सकता है, तो तुरंत मलेरिया की दवा नहीं देते हम, उसकी टेस्टिंग कराते हैं तो मलेरिया की दवा देते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या, हम उस आंसर को तो पुष्ट करते हैं, तो शोध क्यों किया जाता है, परिकल्पना की पुष्टि के लिए. भविष्यवाणी, तो भविष्य में क्या हो सकता है इसकी भी भविष्यवाणी करते हैं कि इतने साल बाद प्रलय आ जाएगी, इतने साल बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इतने साल बाद सूर्य नहीं रहेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें भविष्यवाणी तो शोध करते रहते हैं. जैसे यहाँ पे जल था मंगल ग्रह पे, कभी जल था या जल होगा, तो इस प्रकार का जो आपका चीज़ें होती है भविष्यवाणी के लिए भी क्या होता है, भविष्य के लिए जो हम चीज़ें कहते हैं वो भी शोध, उसके लिए भी शोध किया जाता है. फिर नियंत्रण, तो चीज़ों को कंट्रोलिंग, जैसे बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें इतर बितर हो गई हैं, तो उसको कंट्रोलिंग के लिए अभी आप क्या करते हैं, शोध करते हैं कि हर चीज़ों को सिस्टमैटिक कैसे बनाया जाए. तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम शोध क्यों करते हैं. इसके आगे आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हैं अभी से, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन हमें उन चीज़ों को अध्ययन करने की ज़्यादा आवश्यकता है जो आपके पिन पॉइंटेड हैं, और सिलेबस में एकदम मोटा मोटा लिखा है. तो जो चीज़ें आपकी नहीं है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस पर हम आगे से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे.